जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एम पावर इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। बिल्कुल नाम की तरह ही पावरफुल स्टॉक है। इसके काम धाम और फंडामेंटल तमाम चीजों के बारे में आगे मैं आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल यहाँ पे एक झलक दिखलाता हूँ कि आपको यकीन हो सके वाकई में ये स्टॉक कितना पावरफुल है। एक दिन में देखिए तकरीबन 2% के आसपास रिटर्न निकाल कर दिया है, एक दिन में 2% रिटर्न। और ये सिर्फ आज की मैं बात नहीं बता रहा हूँ, पिछले कई दिनों से स्टॉक लगता है रिटर्न निकालकर, शानदार रिटर्न निकालकर आपको दे रहा है। एग्जाम्पल के लिए यदि मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे 6 मंथ के यदि मैं रिटर्न की बात करूँ तो 6 मंथ में देखिए तकरीबन इस स्टॉक ने 355% का रिटर्न निकाल कर दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि 6 मंथ पहले भी किसी व्यक्ति ने इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो अभी तकरीबन 4.5 लाख रुपए बन गए होते। 6 मंथ की बात में कर रहा हूँ, किसी ने लगाया भी होगा उसका पैसा बना भी होगा। और वहीं पर यदि बात करें 1 मंथ की, तो 1 मंथ में स्टॉक ने तकरीबन 45% के आसपास, सॉरी 44% के आसपास रिटर्न निकाल कर दिया है। 44% का क्या मतलब हुआ कि 1 लाख आपके बन गए 1,44,000 रुपए। ये सिर्फ 1 मंथ में ऐसा हुआ है पॉसिबल, और ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही पॉसिबल है कि इतने कम समय में इतना शानदार रिटर्न आपका बन जाता है। पिछले एक सप्ताह में भी देखेंगे तो तकरीबन 8.5% के आसपास, और एक दिन की जिसमें बताया 2% का रिटर्न निकाल कर दिया है। तो ये जो स्टॉक है, ये जो कंपनी है, ये आगे भी आपको ऐसे ही शानदार दमदार रिटर्न निकाल कर देती रहेगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपका इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो, जरूरी है कि आप इस कंपनी के शेयर्स को बाय करें। देखिए ये बात हम सभी जानते हैं कि एम पावर इंडिया लिमिटेड एकदम पावरफुल स्टॉक है। काफी समय से शेयर प्राइस लगातार इसका ऊपर की तरफ जा रहा है। बाय करने के लिए एकदम हमें परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट एंट्री इसमें खोजना होगा। लेकिन ये बात सत्य है कि इस स्टॉक में किसी भी व्यक्ति ने किसी भी लेवल पर बाय किया होगा उसका पैसा इसमें बना ही बना होगा। अब हम लोग सही एंट्री इस स्टॉक में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो अभी तक एंट्री नहीं ले पाए हैं किसी भी कारण से, कहां पर एंट्री ले सकते हैं और इस स्टॉक में अपना जगह बना सकते हैं। BSE इंडेक्स वेबसाइट पर यदि आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे एम पावर इंडिया लिमिटेड को ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगा 2% के रिटर्न। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको स्पेशल देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक लगातार आपको अपर सर्किट में चल रहा है, और अपर सर्किट में नहीं चल रहा है साथ साथ नया एक बाउंड वीक हाई भी स्टॉक बनाते हुए चल रहा है। जब जब इस स्टॉक में अपर सर्किट लगता है आप देखेंगे स्टॉक में लगातार नया बाउंड वीक का हाई बन रहा है। बाउंड वीक का हाई कहने का मतलब कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे बन चल रहा है और नया रिकॉर्ड ये स्टॉक बनाते हुए चल रहा है। तो ऐसी कंपनी में जब पैसा लगाएंगे जो लगातार दिन प्रतिदिन नया स्टॉक नया रिकॉर्ड बना रहा हो, तो आपका पैसा उसमें बनने की चांसेस रहते हैं और पैसा बनेंगे भी। तो एम पावर इंडिया लिमिटेड में पैसा कैसे बनेगा, जब हम बाय करेंगे तभी बनेगा। तो चलिए इसमें परफेक्ट एंट्री और एंट्री खोजने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं नए जो व्यक्ति इस स्टॉक को देख रहे हैं, जो इस स्टॉक का रिव्यू जानकारी लेने के लिए आए हैं, उनके लिए बता दूं ये कंपनी जो काम करती है IT सेक्टर से रिलेटेड कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है। IT के सेक्टर में जो काम करती है कंपनियां उनके लिए विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स तैयार करती हैं, और काम के बेसिस पे आने वाले समय में कंपनी के शेयर प्राइस में आगे तेजी बने रहने के चांसेस, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो IT सेक्टर की कंपनियां हैं, जो IT सेक्टर से रिलेटेड काम करती हैं, उनके शेयर प्राइस में भारत में हमेशा तेजी रहेगी। सिर्फ भारत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आने पूरी दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी ये काम इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में मार्केट की भी जब बात करते हैं तकरीबन 450 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है, और ये वैल्यूएशन दिन प्रतिदिन आपको बढ़ते जाएगा क्योंकि शेयर प्राइस जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो मार्केट के भी शेयर के प्राइस के बढ़ने और घटने से घटते बढ़ते रहता है। स्टॉक का PE काफी महंगा हो गया है क्योंकि जाहिर सी बात है शेयर प्राइस लगातार बढ़ रहा है तो स्टॉक का PE महंगा होना लाजमी है। लेकिन इतने महंगा PE पे हम नहीं बाई करेंगे, हम चार्ट पर लेवल देख के आपको एंट्री का लेवल बताएंगे। अभी शेयर प्राइस देखिए इसके बुक वैल्यू से ज्यादा है, ये बढ़िया बात है। शेयर प्राइस हमेशा बुक वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, और रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो ये अभी तकरीबन 0.05% के आसपास है। हालांकि ये बढ़ेगा गाइस, बहुत जबरदस्त बढ़ेगा, और रिटर्न ऑन इक्विटी जितना ज्यादा हो वो बेहतर होता है आपके इन्वेस्टमेंट पर, साल भर में उतना रिटर्न निकाल कर देने के लिए ये बताता है। तो ये जैसे शेयर प्राइस बढ़ रहा है तो आने वाले समय में यह भी बढ़ेगा। अब हम लोग आ गए हैं कंपनी के 1 साल के चार्ट पर, और यहाँ पर बात करते हैं कहाँ पर हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। देखिए 2-3 एंट्री जगह तो आपने छोड़ दी है जिन लोगों ने अभी तक एंट्री नहीं लिया है। तो यहाँ पे था एंट्री लेवल जहाँ पे इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, दूसरा एंट्री लेवल मिला था यहाँ पे, तीसरा मिला था यहाँ पे, और अब जाके एंट्री लेवल मिलेगा आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है 5 रुपये के आसपास। जब इस शेयर का प्राइस बढ़ के पहुंचेगा 5 रुपये करीब, 5 रुपये करीब वहाँ पर आपको एक एंट्री लेवल मिल सकता है। आप समझिए जब आप 5 साल के चार्ट पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि पीछे कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि पहली बार ये इतना ऊपर गया है इस कंपनी का शेयर प्राइस एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि स्टॉक का प्राइस 5 रुपये तक जाएगा। 5 रुपये का लेवल एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है, और 5 रुपये तक जाने के बाद इसका जो शेयर प्राइस है ये जो लगातार ऊपर जा रहा है यहाँ पर आकर ठहरेगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट होगा साइकोलॉजिकल नंबर होने की वजह से। और फिर यहाँ पर प्राइस ऊपर जाएगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आएगा, और नीचे आकर फिर जब ऊपर उठना शुरू होगा तो इसको इजिली ब्रेक करेगा
₹5 को, फिर इसके बाद ऊपर जहां तक ये प्राइस जाए वहां तक के लिए हम इसमें जाएंगे। तो आपको करना क्या है, जो लोग अभी तक इसमें एंट्री नहीं लिए हों, जब ₹5 के लेवल तक जाने के बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे आओ, नीचे आके जहां से भी जिस लेवल से प्राइस ऊपर उठने लगे हम वहीं पर उसमें एंट्री ले लेंगे। या एवरेजिंग भी करना होगा तो आप यहीं पर एवरेजिंग कीजिएगा, अभी एवरेजिंग मत कीजिए। हाँ, जिसको प्रॉफिट बुक करना हो, जिसके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा आमदनी हो गया, वो चाहे तो यहाँ पर थोड़ी बहुत शेयर को सेल करके एक प्रॉफिट, क्योंकि देखिए शेयर मार्केट में पैसा बनाना है तो उसको बुक करना भी जरूरी है। तो ये प्रॉफिट आप यहाँ पे चाहे तो हल्का शेयर्स बेच के प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ताकि यदि कल को मान लीजिए लोअर सर्किट लग जाता है जिसके चांसेस कम है, तब आपको इस बात का गलानी ना हो कि इतना ऊपर प्राइस जाने के बाद भी आप इसमें पैसा नहीं बना पाए। जब आप बैलेंस शीट में देखते हैं तो आप पाएंगे कि कंपनी के ऊपर जो कर्जा है, जिसको डेप्ट कहते हैं, वो बिल्कुल ही आपको इस स्टॉक में देखने को नहीं मिलेगा। पहले थोड़े बहुत कर्ज थे वो कम हो गए हैं, कम क्या बिल्कुल जीरो ही हो गया, और साथ में जो रिजर्व पैसा होता है, जो फ्री कैश फ्लो, वह भी आपको यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है। यानी कि ऑल थिंग्स जो एक अच्छे स्टॉक्स में होना चाहिए, वो सारी गुण इस स्टॉक्स में है, और जिसका नतीजा है कि स्टॉक का शेयर प्राइस लगातार आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है। तो सारी चीज़ें बेहतर है, तो आपको इसमें पैसा लगाने के बारे में सोचना चाहिए, और जो मैंने लेवल बताया है उस लेवल का ध्यान रखिएगा, इस लेवल के आसपास जो भी बाई सेल करना हुआ कीजिएगा। बाकी एम्पावर इंडिया लिमिटेड से संबंधित मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन, कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।